नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी सूचना आप सभी के लिए है। ईपीएफओ के द्वारा जो एसएससी का और आपके स्टेनो का पेपर कंडक्ट होना था, उसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि जब भी एनटीए एग्जाम डेट घोषित करेगी तब ज्यादा समय नहीं देगी। तो स्टेनो की परीक्षा आपकी 1 अगस्त को संभावित है, प्रस्तावित है, और ऐसे ही आपकी जो एसएससी की है वो आपको थोड़े से दिन और मिल जाएंगे। जो नोटिस है वो हम अच्छे से देखते हैं। जो नोटिस आज आपकी आई हुई है, इस वीडियो सेशन में अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा प्लस के कोर्स से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, अभी भी आपके पास इतना समय है कि लास्ट टाइम में अगर आप केवल रिवाइज तक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा और बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे अपनी सफलता के। हालांकि एक बात तो समझिएगा, कोई जीरो से स्टार्ट करेगा तो 1 महीने में कुछ नहीं होना है, तो उसके लिए तो ये बात कहना गलत हो जाएगी। अभी आप एनटीए की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पे ईपीएफओ के सेक्शन में जाओगे तो पब्लिक नोटिस शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन आपका आ गया, और इस नोटिस को अगर आप ओपन करोगे तो वो नोटिस आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा। ये आपकी नोटिस होगी और इस नोटिस को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। पब्लिक नोटिस है 4 जुलाई 2023 की, अभी अभी आई, एकदम गरम गरम नोटिस है। स्टेनोग्राफर की 1 अगस्त को है, मतलब कि आपकी चार, आज तारीख क्या है, तारीख आपकी 4 जुलाई है और आपका पेपर कब है, 1 अगस्त। कहने का मतलब 27 दिन, इसके लिए 185 पत्ते और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट लगभग 2472 पत्ते, 2462 जो 18 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त, मतलब लगभग का 20 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल जा रहा है ऑन एवरेज। तो कहने का मतलब लगभग 50 डेज है और 50 डेज आपके एसएससी के लिए है। मैक्सिमम बच्चे एसएससी वाले ही थे, स्टेनो वाले बच्चे 185 थे, बट भले ही वैकेंसी कम थी, जो वैकेंसी कम थी क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेशल होता है इसमें और उस हिसाब से बच्चे भी कम होते हैं, बट गंभीरता आपको भी उतनी दिखानी है और आपको भी उतनी ही दिखानी है। किसी को आप 30 दिन मिल रहा है तो किसी को 50 दिन मिल रहा है। एक बात आप समझते हुए चलिएगा कि जहां पे स्टेनो में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, एसएससी में कंपटीशन भी काफी अच्छा खासा है, इस बात को भी क्लियर करते हुए चलेगा। प्लस आपका जो पैटर्न था वो आपका 150 क्वेश्चन 600 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था और इसकी जो निगेटिव थी वो 1/4 निगेटिव थी, मतलब 1 नंबर की निगेटिव थी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आपका 30 नंबर मैथ, 30 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की कंप्यूटर और 30 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इंग्लिश को आपको सबसे अच्छा पढ़ना है, कोर इंग्लिश 30 ही पूछेगा, 20 आपका कंप्रेहेंशन पूछेगा, मतलब टोटल 50। तो कोर जब 30 आपका पूछेगा, इसका मतलब वोकैब सारा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक बात आप समझते हुए चलिएगा कि अब आपको इन इन 50 दिनों में और इन 30 दिनों में करना क्या है, उसको एक मोटा मोटा आप समझते हुए चलो कि अब आप क्या करोगे और आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं, ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े थे, और उन सभी को मैं इतना मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों अब जो आपका समय है वो आपकी मेहनत करने का समय आ गया है। अगर मैं एसएससी की बात करूं या फिर मैं किसकी बात करूं, स्टेनो की बात करूं, इन दोनों में ही अगर समय देखा जाए, इनके लिए आपके पास लगभग 27 दिन ही बोलो, है ना, आज का भी दिन निकल गया, मैं 30 दिन नहीं बोलूंगा, और इनके लिए लगभग 55 डेज, इनके लिए 55 डेज लगभग इनका दुगना समय मिल रहा है, इतना आप समझते हुए चलो बस, ठीक है। तो 55 डेज, है ना, 55 क्यों, या आप 45 लेके चलो, 55 नहीं, ये आपको 45 डेज है, ठीक है, 45 डेज आपको मिल रहा है, ठीक है, इन्हें 27 डेज मिल रहा है, इन्हें 45 डेज मिल रहा है, और इतने दिन में हमें तैयारी करनी है। आपके पास विषय कौन से, आपके पास विषय इंग्लिश है जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये 50 क्वेश्चन का, दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए हिंदी इंग्लिश के बाद आपका जो जीएस या जीए वाला पार्ट था, ये आपका 30 पूछा जाएगा, ऐसे ही जो आपका मैथ्स है, मैथ्स आपका 30 पूछा जाएगा, और तीसरी आपकी क्या पूछी जाएगी, तीसरी आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग जो पार्ट है वो भी आपका 30 पूछा जाएगा, और आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वाला पार्ट, ये आपका 10 पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपका 600 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन 600 नंबर का होगा, 1 आपकी निगेटिव होगी और 4 आपका पॉजिटिव होगा। अब आपके पास विषय टोटल कितने हैं, 5 है, और आपके पास समय है 45, मतलब अगर ऑन एवरेज एक विषय को दिया जाएगा तो आपके पास 9 दिन केवल शेष हैं। तो इसमें अब आपको जिससे कोर्स है तो कोर्स इस सभी का कंप्लीट करा दिया गया पहले ही, कोर्स हम लोग में कुछ भी बचा नहीं है, इसके नोट्स भी ऑलरेडी दे रखे थे और पहले बोले थे कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो। हमारे इनसे अब आपकी जो है प्रैक्टिस क्लासेस आपकी लगा दी जाएंगी, और ये प्रैक्टिस क्लास अभी आप मान के चलो कि 8 PM पे,
8 PM पे डेली EPFO के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी, जिसमें हम इंग्लिश का भी, आपका जनरल अवेयरनेस का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर सबका प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है, जैसे इंग्लिश के लिए आप सुबह 10:30 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई है। ये वोकैब बेस्ड क्लास होती है, इसी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी में आपका इडियम फ्रेजेस, इसी में आपके सिनोनिम सिंटोनिम सब कुछ कवर हो जाएंगे। मतलब जो आपका 30 नंबर है, 30 में से कम से कम नहीं तो 20+ नंबर आपको केवल इस क्लास से हो जाएगा। और 10 बजे एक क्लास चलती है जनरल अवेयरनेस की। कौन सी चलती है? जनरल अवेयरनेस और जीके वाली जो क्लास चलती है, करंट अफेयर्स वाली। इस क्लास को आप देखिएगा, तो ये जो आपका 30 है वो आपका जो प्रैक्टिस कराया जाएगा 10 बजे। तो एक प्रैक्टिस आपकी 10 बजे सुबह चलेगी, दूसरी प्रैक्टिस आपकी 10:30, आधे आधे घंटे की प्रैक्टिस ये होगी, ठीक है, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। मैथ्स और रीजनिंग का जो होगा वो 8 PM पे करवाया जाएगा, और सप्ताह के एक दिन नहीं होगा तो संडे को ही या जो भी होगा वहां पे आपको एक दिन आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपका समय आएगा वैसे वैसे हम लोग इसकी मैराथन भी क्लास रखेंगे। तो अब आपका प्रैक्टिस का टाइम नोट कर लो, 10 AM, 10:30 AM और 8 PM, तीन क्लास आपकी ये हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपकी EPFO, SSC और स्टेनो की चालू हो जाएगी। बाकी जो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो जल्दी जल्दी से कोर्स भी कंप्लीट करिए, नोट्स अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं वो परीक्षा प्लस ऐप पे जाए और कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी आपके प्रैक्टिस बेसिस तो ये किस पे चलेगा? परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे भी आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो से अगर आपको लाभ मिले तो वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।